छोटे पर्दे का हर सितारा बड़े पर्दे का शाहरुख खान नहीं बन सकता। पर्दे से निकलकर सिल्वर स्क्रीन पर छा जाने वाले सितारे शाहरुख और सुशांत जैसे गिनती के हैं। इस गिनती में जगह न बना पाने वालों का एक नाम है राजीव खंडेलवाल। क्या हादसा क्या हकीकत, कहीं तो होगा। और लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे शो से राजीव खंडेलवाल पॉपुलर हुए, फिर वो चल निकले शाहरुख के नक्शे कदम पर। उनकी पहली फिल्म आमिर की तारीफें भी खूब हुई, लेकिन बड़े पर्दे पर ज्यादा बात नहीं बनी। राजीव खंडेलवाल का बॉलीवुड से पैकअप अनाउंस तो नहीं हुआ, पर हालात ऐसे ही बनते दिखे तो राजीव ने फिर से टेलीविजन पर हाथ पैर मारने शुरू किए और उनकी जानकारी में आया एक ऐसा शो जो शायद कॉफी विद करण का दूसरा वर्जन है। इस शो में टीवी के बड़े सितारों के जज्बात दर्शकों के सामने लाने की तैयारी थी और इस शो के टेलीकास्ट करने वाले चैनल की इस शो के लिए होस्ट की पहली पसंद रवि दुबे रहे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले रवि दुबे छोटे पर्दे के बड़े स्टार माने जाते हैं। रवि को डोली सजाके से बड़ा ब्रेक मिला। यहाँ के हम सिकंदर शो ने उनकी पहचान बढ़ाई और सास बिना ससुराल और जमाई राजा तक आते आते रवि दुबे ने छोटे पर्दे पर अपना बड़ा सिक्का जमा लिया। इस बीच नच बलिए सीजन 5 के दौरान उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और उन्होंने शो के सेट पर ही शरगुन मेहता को अपना जीवन साथी बनाने का ऐलान कर दिया। राजीव खंडेलवाल टीवी शो जज्बात के होस्ट न होते अगर रवि दुबे का पत्ता कास्टिंग पॉलिटिक्स के चलते न कटा होता। जी हाँ, राजीव खंडेलवाल नहीं बल्कि शो के मेकर्स की पहली पसंद रवि दुबे थे। रवि के शो की होस्टिंग और उनका स्टाइल देख शो के मेकर्स और चैनल यही चाहते थे कि रवि इस शो को होस्ट करें, लेकिन एक शख्स के साथ मिलकर राजीव ने रवि दुबे का खेल बिगाड़ दिया। जी हाँ, और ये शख्स हैं संदीप सिकंद, जिनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है शो जज्बात। हम आपको बता दें कि आखिर क्यों राजीव और संदीप ने मिलकर खेला रवि के अगेंस्ट ये खेल। खबर है कि चैनल ने जज्बात के लिए रवि दुबे को सेलेक्ट किया तो संदीप सिकंद नाखुश हो गए। ये बात राजीव को पता चली तो उनकी शामें संदीप सिकंद के साथ गुजरने लगी। अपनी दोस्ती और अपनी बिगड़ती माली हालत का हवाला देकर राजीव ने संदीप को सेट किया और कर ली इस शो में धमाकेदार एंट्री। पुनीत सिंह, अमर उजाला टीवी, मुंबई।